नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें देने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले चैनल पर अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों यहां पर पहली खबर एयरलाइंस को शुरू करने को लेकर है, जहां पर कि बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने को लेकर जो लगातार खबरें आ रही हैं, बता दें कि एविएशन मिनिस्टर ने साफ किया है कि योजना पर काम चल रहा है और जल्द ही 15 मई के पहले पहले ये उड़ानें शुरू हो सकती हैं। दूसरी खबर इंडियन रेलवे से निकल कर आ रही है, जहां पर कि 12 से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाने का आदेश जो है वो मिल चुका है। शुरुआत में अभी केवल 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन ही किया जाएगा। और अगली खबर इस वक्त निकल कर आ रही है इस्तांबुल एयरपोर्ट से, जहां पर कि इस्तांबुल एयरपोर्ट अब पूरी तरीके से कमर्शियल ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार हो चुका है। बता दें कि 28 मई से जो फ्लाइटें हैं वो यहाँ पर इस्तांबुल एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं। अगली खबर है दोस्तों एयर इंडिया के कार्गो फ्लाइट्स को लेकर। बता दें कि एयर इंडिया की कार्गो फ्लाइट्स जो कि चाइना के लिए थी, वहां पर उन फ्लाइटों के 5 जो पायलट्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं टेस्ट होने पर। अगली खबर है गल्फ कंट्रीज को लेकर। बता दें कि अगर आप गल्फ कंट्रीज में हैं और आपको फ्लाइट लेनी है स्पेशल जो इस वक्त चलाई जा रही है, तो आपको वहां पर फुल कर्फ्यू में भी ट्रेवल करने को अलाउ किया जाएगा ताकि आप एयरपोर्ट्स तक सुरक्षित पहुंच सकें। अगली और सबसे अंत में खबर है दोस्तों एमिरेट्स एयरलाइन को लेकर, जहां पर कि बता दें कि एविएशन मार्केट ज्यादा डाउन चल रहा है इस वक्त, और इस इंपैक्ट को कम करने के लिए एमिरेट्स एयरलाइन खुद को बचाने के लिए बड़े फैसले ले रही है। यहां पर कॉस्ट कटिंग मैनेजमेंट और वहीं गवर्नमेंट से मदद जैसे बड़े फैसले इस वक्त एमिरेट्स ने लिए हैं। तो दोस्तों ये है देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें एयरलाइंस से जुड़ी। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप देख रहे थे इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, शुभ खैर, बाय।